हेलो गाइस, आज की हमारी क्लास है सोशल साइंस की, जिसमें हम जानेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीन आंदोलन का वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अच्छा भी क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, आ भी चुका है एक दो बार भी, अथवा करके ऐसे भी आ सकता है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलन के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिए, अथवा ऐसा भी आ सकता है गांधी जी द्वारा संचालित तीन प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए, उनके अंतिम आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लास्ट है स्वज्ञान स्विनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो ये इतने प्रकार है, मतलब कि इतने तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको आंसर एक ही तरीके से देना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीन प्रमुख आंदोलनों का असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन थे। पहला है असहयोग आंदोलन। असहयोग यानी किसी का सहयोग ना कर कर, मतलब कि किसका सहयोग ना कर कर, अंग्रेजों का। अंग्रेज शासन किया करते थे तो उनका सहयोग ना कर कर। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोराचोरी नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। इसका नेतृत्व लोगों द्वारा किया जा रहा था। पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई, मतलब कि उफड़ तफड़ी मच गई, वहां पर लोग इधर से उधर भागने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उन्होंने पुलिस बल का हमला कर दिया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए। जब इस तरीके का माहौल हो गया तो वो जो आंदोलन कर रहे थे वो भी भड़क गए, और फिर पुलिस को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया। तो ये कहलाता था चोरा चोरी हत्याकांड, ये हो गया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अड़िग रहे। तो ये घटना हुई जो चोरा चोरी हत्याकांड कहलाती है। तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन ले लिया। और आपके डाउट में ये सोच क्वेश्चन आ रहा होगा कि असहयोग आंदोलन क्या होता है। तो असहयोग आंदोलन वही होता है किसी का सहयोग ना करकर, यानी अंग्रेजों का साथ ना देकर। तो इसके द्वारा ये घटना घटित हुई, कौन सी, चोरा चोरी। अब इसके बाद है स्वज्ञा अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर डांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के अंतर्गत पहला है विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर दिया गया, शराब की दुकानों का विरोध किया। दूसरा, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। अगला है कई जगह, इस वाले को नोट कर रहे हैं हम, नीचे वाले को, कई जगहों पर
बनिए लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। नेस्ट इन इस आंदोलन से परेशान होकर औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन की सफलता के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया या जेल में डाल दिया। अतः यह आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्व विहीन, अराजक एवं हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं। सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। तो ये हमारे जो गांधी जी हैं उनके द्वारा किए गए थे आंदोलन, जिसमें एक क्वेश्चन से मैंने आपको गांधी जी द्वारा किए गए जितने भी आंदोलन थे वो सारे एक्सप्लेन किया है। जैसे अब ये भी आ सकता है, चोरा चोरी हत्याकांड क्या होता है, असहयोग आंदोलन क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। तो ये मुख्य आंदोलन है गांधी जी द्वारा। आते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।